कहाँ? अरे सुनो तो, देखो मैं फिजूल की बातों में बात बर्बाद नहीं करना चाहता, समझी? पता है तुमको तो सब पता है। हाँ हाँ मुझे सब पता है, और ये भी पता है कि साड़ी तो क्या, तुम्हें तो मेरा ही साथ पसंद नहीं। वैसे पसंद मुझे भी नहीं। क्या अगर पहनने लायक बात ना तो? अरे छोड़ो, ये बहुत हिम्मत नहीं है। अच्छा आपने है बड़ी हिम्मत, रोज बाहर से घर में घुसते ही चिल्लाएंगे फला ऐसा है फला वैसा है, उसने ऐसा किया उसने वैसा किया वगैरह वगैरह। बाहर के लोगों से तुम्हें सामना करना पड़े तो पता चले। अरे तो ऐसे लोगों के बीच जाते ही क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों से ही काम पड़ता है। छोड़ दो ऐसे काम, छोड़ दो ऐसे काम, कहना आसान है फिर हमसे कहते क्यों? तुम ये हो तुम वो, कहना है कि घर चलेंगे उन लोगों के सामने तो बड़ा खूबसूरत समूह बनाएंगे, हंसेंगे मुस्कुराएंगे और घर में आकर शून्य में दीप जलाएंगे। हमारी सरकार, शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार, झूठ, पाखंड, नैतिकता, वही कड़े कड़े शब्द। मैं जा रहा हूँ। तो जाओ ना। जाएंगे कहीं नहीं, आखिर जाएंगे कहाँ? हम दोनों इसी तरह चले जाते हैं फिर वहीं वापस लौटने के लिए। जब शादी हुई थी तब हम ऐसे नहीं थे। अच्छा सुनिए एक बात बताती हूँ, ये शादी मैंने नहीं, इन्होंने मुझसे की है। मैं तभी 21 साल की थी, बीए करके म्यूजिक में दिन रात प्रयास करती थी। हमारे घर में लोहे और कागज का अच्छा खासा बिजनेस होता है, पिताजी पॉलिटिशियन है और मतलब अब आपको एक अच्छी खासी बीवी की तलाश है। आप पूरा की लड़की लखनऊ की? अरे बैठे ना मैं भी कानपुर का हूँ, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अब देखिए ना आदमी चांद पर पहुंच गया। माफ कीजिए मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगा है। आप बजाते बहुत अच्छा है सितार। आपके पिताजी क्या करते हैं? देखिए बेकार है। अरे वो तो आईएएस है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुरादाबाद, और ये आपके अंदर का बंदा है। अच्छा और मेरे पिताजी, माफ कीजिए हम डैडी नहीं कहते, मेरे पिताजी मेरे पीछे लग गए हैं और काम करके मैं शादी कर लूं। रोज कोई ना कोई लड़की वाला। शादी एक निजी व्यक्तिगत चीज है, दो आत्माओं का मिलन, जिसकी बुनियाद है प्रेम, एक ऐसा प्रेम जिसके पति पत्नी के जिससे निरंतर ग्रोथ, और यही ग्रोथ तो समाज का विकास है। अच्छा अब आप मुझे बातें ही बोल कर रहे हैं। अब देखिए ना लोग शादी करके स्त्री को धर्म पत्नी बना लेते हैं, मैं कहता हूँ उसे दोस्त क्यों नहीं बनाते? सुनिए तो मुझसे कौन सी गलती हो गई? आप बुनियादी तौर पर बोल रहे, जिस लड़की पर कृपा कर शादी करेंगे ना बस। अब सच कहने का वक्त आ गया, देखिए मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे। ये क्या बदतमीजी, छोड़ दो या शोर मचाओ। मेरी आंटी को कटाया, मेरे पापा मम्मा को मक्खन लगाने लगे, क्या क्या वादे क्या क्या कसमें, मगर ये तो आम बातें हैं। खास बात सिर्फ ये कि सचमुच अगर मैं अपनी शादी ना चाहती तो कैसे होती? इन्होंने मुझसे ही शादी क्योंकि ये अब धीरे धीरे समझ में आ रहा, पर मैंने क्योंकि ये समझ में नहीं आता। मिसेस आनंद कहती है जाने और कोने में जो फर्क है वही है हमारी शादी। अब देखिए ना मैं आपको कुछ कुछ व्यक्तिगत बात करना चाहती थी, पर खा मखा मिसेस आनंद का नाम क्यों याद आ जाता है? इतना जैसे कुछ चलने लगता है, याद आता है। खैर शादी हो गई मेरी, शादी हो गई फिर वही हिसाब किताब रोकड़ वही। शादी में पापा ने कहा क्यों नहीं थी? बेशक उतने रुपए कैश क्यों नहीं मिले? भाई उनकी इतनी ताकत इतनी पावर का मुझे क्या फायदा? बस आ गई ना तुरंत व्यक्तिगत बातों पर, जबकि तुम जानती हो मेरे की एक से एक शादी आ रही है, एक से एक रिश्ते, मोटे मोटे दहेज। एक शादी तो इतनी अच्छी थी कि मेरे पिताजी का राजनीतिक जीवन अचानक समझ जाए। छोड़ो मैं व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता,
ये व्यक्तिगत बात नहीं, बोलते जा मिसेस आनंद के। ये नाम लेके तुम मुझे चिढ़ाना चाहती हो। अच्छा नाम है मिसेस आनंद। मिसेस आनंद तो लेती रहो, मैं जा रहा हूँ। तुम क्यों जा रहे हो, मैं ही चली जाती हूँ। जनाब कुछ बातें हैं जरूर, लेकिन समझ नहीं रहा मैं कहां से शुरू करूं। मैं अपनी बातें आप सबको बिल्कुल अपना समझकर कह देना चाहता हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं। देखिए मैं दिल का बहुत साफ आदमी हूं, लेकिन यह कहती है नहीं, मैं संकोच कहता हूं कि पुरुष का लक्षण है उसकी हर इच्छा की पूर्ति चाहे जैसे, लेकिन यह कहती है कि यह गलत। मेरे ख्याल से हमने जितना कुछ साहित्य पढ़ा है वो काफी है, और आप जानते हैं किताबों में सारी बातें नहीं लिखी जा सकती, खास तौर से किताबों में हमारे निजी समस्याओं पर तो कतई विचार नहीं किया जाता। एक दिन मैं इनके लिए उपहार लेकर पहुंचा। तुम्हारे दोस्त मिस्टर आनंद ऐसा करते हैं क्या? अरे छोड़ो, मैं पूछता ही कौन है। मैं पूछती हूँ, मिस्टर आनंद मनुष्य नहीं है, और उनकी पत्नी वो मिसेस आनंद वो क्या किसी से कम है? तुम दूसरों की बातें क्यों करती हो? दूसरों की बातें तुमने शुरू, ऐसा सब करते हैं। सोचिए इन छोटी छोटी बातों में क्या रखा है, क्या कहूं किससे कहूं, दिल में इतनी बातें उमड़ती कि पूछिए मत। अब तो पूरे 8 साल दिल में गुब्बारा सा उठता है, मुझे उड़ाई लिए चला जाता है, जी करता है उस गुब्बारे को फोड़। मेरे पास ताकत है, साधन है, लेकिन इनकी सहेली मिसेस आनंद, आप कीजिएगा मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन ये कहती है मुझमें हिम्मत नहीं है। अब सोचिए वाला अगर हिम्मत ना होती तो इतनी तरक्की हो सकती? बेकार छोटी छोटी बातों में फंसी रहती है, बड़ी बातें सोचनी चाहिए, स्वतंत्रता, लाभ, इच्छा, पुरुषार्थ, नहीं तो तरक्की कैसे होगी? बैंक की नौकरी भी करी, सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। क्या हो गया? तो क्या वो सही है
उस दिन तुम्हारा चपरासी आया था राम के साथ, किसी फाइल के गुम होने और चार्जशीट की बात कर रहा था। चारों ओर बेईमानी है, करप्शन। अपनी बात करो। मैंने अपना ऑफिस छोड़ दिया, मैं बिजनेस करूंगा। बिजनेस बिजनेस के लिए पूंजी? अरे गुडविल हो तो पूंजी की क्या कमी। और सबसे बड़ी चीज है इच्छा। क्या होते हैं लाख डेढ़ लाख रुपए इन दिनों? अरे इतने रुपए तो मिस्टर मल्होत्रा एक दिन में जुए में हार या किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे देते हैं। मैंने देख लिया, सबसे बड़ी ताकत है पैसा। इसी तरह तो मिस्टर मल्होत्रा ने भी नौकरी छोड़ी थी। आज भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज की कमी है उनके पास? गाड़ी उनके पास है, बंगला उनके पास है, इज्जत उनके पास, किस चीज की कमी है? अपने आस पास का कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिला था? यही चारों ओर है। तुम रोज अखबार नहीं देखती? किसी किसी बातों और घटनाओं से भरा पड़ा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी हुकूमत ऐसी है। ऐसे तुम नहीं था? लोग इसका विरोध भी नहीं करते। लोग माने? लोग माने, लोग देखो। इस मुल्क में क्रांति होनी चाहिए, क्रांति। यू आर अ बिजनेसमैन। लेकिन वो यहाँ कुछ और ही रहा है। हेलो जी सर। हाँ सर, नौकरी छोड़ दी। जी जी हाँ सर, शुरू शुरू में दिक्कत हुई थी। जी जी हाँ, लेकिन लाइसेंस मिल गया बाद। जी हाँ, बस सर उसी सिलसिले में मैं संडे को हांगकांग जा रहा हूँ। जी फिर टोक्यो होते हुए न्यूयॉर्क। जी सर। क्या? एक एक मिनट सर, होल्ड कीजिएगा। अरे सुनो सर, उधर से मेरी डायरी ले आओ जल्दी। तू बी स्मार्ट, चाय तो खत्म कर लो। समझा करो, तुमको तो दिन भर चाय खाना। हेलो जी सर। हाँ सर, एक प्राइवेट सेक्रेटरी रखी है। जी जी अभी तो सर बगले से ही कर रहा हूँ, ऑफिस खोलूंगा। जी हाँ, एक प्राइवेट सेक्रेटरी है और एक बिजनेस भी। जी जी एक मिनट सर, नोट कीजिएगा, डायरी खोलो। हाँ सर, ऐसा नोट कीजिए, अगले महीने की 13 तारीख को लंदन में मुलाकात हो सकती है। जी जी क्या? आज? अरे नहीं नहीं सर, ठीक है सर, आप वेट मत कीजिए, मैं कोशिश करूँ। जी ओ पता है किसका फोन था? मैं बात कर रही थी के कपूरिया, मुझे फिनेंस करना चाहता, मतलब ब्लैक व्हाइट करना चाहता है। चाय के बारे में क्या ख्याल है? ओह चाय गर्म होनी चाहिए और तुम्हारे हाल की।